हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जैसे भी हालात रहे, तैयारी करते जाइए, धीरे धीरे रास्ते खुलते जाएंगे। निराश मत होइए। जैसा भी वक्त है, उसमें आप अपने लिए समय निकालिए, अपनी स्टडी के लिए समय निकालिए। अब तक क्या हो चुका है, कितना लॉस हो चुका है, उसको सोचे बिना आप अपने फ्यूचर पे फोकस करिए, क्योंकि जो गुजरा हुआ वक्त है ना, उसको हम कभी नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला वक्त टोटली हमारे हाथ में होता है। ठीक है, किस्मत है और ये सब चीज़ें तो चलती रहती है, लेकिन मेहनत के बिना यहाँ किस्मत भी साथ नहीं देती है। 3:30 बजे मैं आज उठ गई, आपको दिख रहा होगा घड़ी में टाइम, और उठते ही मैंने इकोनॉमिक्स के जो नोट्स हैं, सबसे पहले उन्हीं को रिवाइज़ कर रही हूँ। इकोनॉमिक सर्वे मैंने पढ़ लिया है, उसी को रिवाइज़ कर रही हूँ ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। दो ढाई घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद अब मैंने पढ़ना शुरू किया है इंग्लिश, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर में सुबह सुबह या जब भी मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ, सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें सारे राइटर्स मिक्सअप हो जाते हैं, इसलिए मैं सुबह सुबह ही उनको पढ़ लेती हूँ ताकि अच्छे से याद हो जाए। लगभग 4 घंटे की पढ़ाई करके अब मैं आ गई हूँ बाहर। साफ़ सफाई करूँगी सबसे पहले, फिर डायरेक्ट जाऊंगी नहाने के लिए। यूवी को भी नहलाना है मुझे, और 9 बजे तक मुझे इनका नाश्ता भी तैयार करना है। अब मैं आ गई हूँ नहा धो के सीधा किचन में। सबसे पहले 2 भगवान जी की रोटी, इनके परांठे वगैरह सब बनेंगे, बाकी की रोटी मैं बाद में बना लूँगी। सुबह का काम सारा फिनिश करके मैं अब तैयारी कर रही हूँ अपनी पढ़ाई लिखाई की। थोड़ा सा जो भी अरेंजमेंट्स थे कर्टन वगैरह के, कुछ चीज़ें इधर उधर रखी हुई हैं, उन सबको अरेंज करके और यूवी को स्कूल भेज के, इनको ऑफिस के लिए भेज के अब आ गई हूँ मैं बाहर। कपड़े कल शाम को सुखाए थे और भूल से वो कल रात को बाहर ही रह गए। वो तो अच्छा हुआ रात को बारिश नहीं आई। मेन सारे रोटी कपड़े बर्तन और झाड़ू पोछा इनके ख़त्म होने के बाद कुछ छोटे छोटे काम रह जाते हैं, जिनको जल्दी जल्दी ख़त्म करके मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि मेरी बैक पेन वापस शुरू होने लग गया था। तो अब थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज पर ध्यान देना भी ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टडी पे फोकस कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कामों पे फोकस कर सकें, जो हमारा टारगेट है उस पे फोकस कर सकें। अब मैं आ गई हूँ किचन में सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि सब्जी रोटी तो पहले ही बनाती थी, लेकिन गरम गरम अगर सब्जी रहे तो रोटी ठंडे होने का इतना आभास नहीं होता। मूंगोड़ी की सब्जी बना रही हूँ। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो बखूबी इसको जानते होंगे, और राजस्थान के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना है तो भी आपको पता होगा कि मूंगोड़ी की सब्जी कैसे बनती है, क्या है। तो वही बना रही हूँ, बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है, लेकिन मैं इसको इतना प्रीफर नहीं करती। महीने में 1 या 2 बार मुश्किल से बनती है, लेकिन कभी कभी खाई हुई बड़ी अच्छी लगती है, तो वही बनाई है आज। तो
प्रश्न पूछा जाता है कि ताजिया निकालते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग ताजिया निकालते समय जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उस वाद्य यंत्र को कहते हैं ताशा वाद्य यंत्र कहते हैं। फिर बात आती है आर्ट एंड कल्चर, बोले तो कला और संस्कृति के एमसीक्यूज में सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि नोट्स मेरे पिछली बार के बनाए हुए हैं तो मुझे इतना समय लगना नहीं। मैं सिर्फ एमसीक्यूज कर रही हूँ ताकि मेरे एकदम कंठस्थ हो जाएं चीज़ें और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम से कम रहे। 6.5 घंटे की पढ़ाई हो गई है और फाइनली 1 बज गया है, ये लोग आने ही वाले होंगे। अच्छा जी, फ़ोन करके पूछा तो पता चला अभी वो ऑफ़िस में ही है, यूवी को ऑफ़िस में ही बुलवा लिया है उन्होंने, तो दोनों साथ में ही है। तो अब मैं खा रही हूँ खाना क्योंकि वेट नहीं कर सकती, घंटे भर में मुझे वापस पढ़ने के लिए बैठना है। राजस्थान के कल्ट संप्रदाय वगैरह पढ़ रही थी मैं, इतने में आ गई बीच में झमाझम वाली मस्त वाली सावन वाली बारिश। बैठे बैठे पढ़ के परेशान हो गई थी और थोड़ी सी टायर्डनेस भी फील होने लग जाता है, तो घूम के पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे। बचपन से मेरे को घर पे यही कहा जाता कि अरे टिक के पढ़ ले, क्यों घूम रही है टिक के पढ़ ले, लेकिन मैं घूम के पढ़ना ही पसंद करती हूँ। शाम के समय थोड़ा सा, शाम के समय इन द सेंस कि 4-5 बजे के करीब अच्छी वाली बारिश हुई हुई थी तो अच्छा मौसम हो रखा था। 4 बज गए हैं और अब मैंने पढ़ाई अपनी बाहर बैठ के शुरू की। यूवी अंदर सो गया है, दादी भी उसके पास लेटी हुई है। अब मैं थोड़ी सी और अच्छी वाली पढ़ाई करूँगी और लिटरेचर मैंने पढ़ना शुरू किया है। अब पूरे दिन में अमेरिकन लिटरेचर मैंने मॉर्निंग में पढ़ा था, उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर जो है वो मैं अब पढ़ रही हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए, पूछा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। हाँ जी, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है। और किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आप तैयारी किस प्लेटफॉर्म से कर रही हो, तो देखिए मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई तैयारी नहीं कर रही हूँ। मेरे नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं और मुझे इनको बनाने के लिए आई हैव बर्नड मिडनाइट ऑयल, मतलब रातों को जाग जाके मैंने ये नोट्स बनाए हैं और तब जाके मेरा नेट क्लियर हुआ था। इंटरनेट की हेल्प ली और XYZ बहुत सी कई ऑथेंटिक बुक्स भी हैं वो भी मैंने पढ़ी। और उस टाइम तो जब मैंने 2017 में नेट क्लियर किया था तब इंटरनेट का इतना ज़्यादा नहीं था जितना अब इन 3-4 सालों में हम यूज़ करने लग गए, तो बस लिमिटेड यूज़ था उसमें। मैं थोड़े यूट्यूब पे तो कुछ था ही नहीं उतना इम्पोर्टेंट वहाँ पे लिटरेचर से रिलेटेड, 6-7 साल पहले 8 साल पहले। लेकिन मैंने इंटरनेट पे मीन्स विकिपीडिया पे और इन साइट्स पे जितनी भी इंफॉर्मेशन थी तो उनसे थोड़ा सा मैंने मटेरियल इकट्ठा कर करके लिखा, उनको खूब पढ़ा, पोइट्री पढ़ी। बुक्स हैं मेरे पास लगभग 300-400 के करीब मेरे पास बुक्स हैं, इसीलिए तो मैं कहीं जा नहीं पाती। मेरे पीहर वाले या मेरे ससुराल वाले कहते तो यहाँ आके तैयारी कर ले, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि लिटरेचर को पढ़ने के लिए, चाहे वो हिंदी का हो इंग्लिश का हो कोई भी हो, उसमें बुक्स के जो रेफरेंसेस हैं और बुक्स में एक राइटर है उसने इतनी पोम्स लिखी हैं, तो अलग अलग जगह से चीज़ें पढ़ना पड़ती है। शाम हो गई है और आज बननी है मशरूम की सब्जी जिसको हमारे इधर बोलते हैं खुम्बी, आपके उधर क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। और वो खुम्बी काट रहे हैं, इस दरमियान मैं फटाफट बना रही हूँ रोटियाँ। काम ख़त्म हुए तो मैं वापस बैठूँगी पढ़ने के लिए। खाना बनाने से लेके खाना खाने तक के बीच में लगभग मुझे 1 घंटा मिलता है, तो मैं उसका भी सदुपयोग करना अच्छा समझती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ रिवाइज़ कर लेती हूँ, कुछ नया पढ़ लेती हूँ उस दरमियान। तो सारा काम किचन का ख़त्म कर दूंगी, उसके बाद मैं वापस आके बैठ गई हूँ। 9 घंटे की पढ़ाई आज मैंने कर ली है और 8 बज गए हैं अभी, 1-2 घंटे 2-3 घंटे 12 बजे तक शायद मुझे जागना है। उसमें थोड़ा मुझे मेरा चैनल का काम भी करना है, लेकिन चैनल का काम को मैं आज शूट नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे मेरी तबीयत वीक लग रही है क्योंकि यूवी को जुकाम हो रखा था, तो हो सकता है मुझे भी हो गया हो।
तो ज़्यादा मैं आगे का 10 बजे के बाद का शूट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अच्छी मैंने आज पढ़ाई कर ली। और आप लोगों का साथ यूं ही बनाए रखिएगा, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और ये देखिए, मैं मॉडर्निस्ट राइटर्स पढ़ रही हूँ, मींस मॉडर्न राइटर्स पढ़ रही हूँ, है ना। और इसमें मैंने इनको प्रिंट आउट इनका एक एक करके, इनको अच्छे से मटेरियल इधर उधर से इकट्ठा करके इनका प्रिंट आउट निकाल रखा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।